मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाया। मैं यहाँ अकेले में शमशान घाट में इसीलिए बैठा था, मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता था, मैं संघर्ष करना चाहता हूँ मेरे भाइयों के साथ, मेरे मित्रों के साथ। यहाँ जो भी आया मेरे बिना बुलाए आया है, सब मेरे दुख में शरीक होने आए थे। और मीडिया ने मेरी बिल्कुल एक साइड पे बैठे बंदे साइड पे था, शहर का एक कोने में मैं बैठा था, लेकिन मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ को पूरे देश में पहुँचाया, इसके लिए मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ। और सभी भाइयों ने मेरा सहयोग किया, दिल से किया, उनकी वजह से मेरी आज मतलब पूरी जीत तो नहीं, मैं कहूँ आधी जीत जो जरूर हुई है, बाकी आगे की लड़ाई आपके आशीर्वाद से फिर चलती रहेगी। मतलब इसका पूरा लास्ट तक पर इसको लड़ाई को लड़ेंगे। आंसर मेरा सफल हुआ, आप लोगों के पास से मैं अपने घर जाऊँगा और अपना आशीर्वाद मेरे पर फिर भी बनाए रखना, सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहना, मेरी जो तोड़े मैं भी आपके सुख दुख में सदा आपको शामिल रहूँगा हमेशा। इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, 559 है अभी जो हमारी FIR है वो दर्ज करवाई थी। उस संबंध में हमने एक अरेस्ट करी आज, जो भाई नेम था उसको एक दिन के रिमांड पे है, पूछताछ कर रहे हैं हम, और जो रिकवरी वगैरह है, जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो अभी हम कर रहे हैं। तो ये कई दिनों से मामला दर्ज था और ये अंचल पे बैठे उनका आरोप था, उस पर आज आपने किया है, तो बरामदगी क्या कर दी? नहीं, वो एक्चुअल में IT एक्ट का मुकदमा है और 384 का है, तो अभी इसमें जो IT एक्ट के जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे वो उनको देने थे जो IT एक्ट के संबंध में है, तो अभी वो कलेक्ट करने हैं। एक तो क्या इसमें एक ही आरोपी था? नहीं, दो आरोपी हैं इसमें, अभी जो मेन एक आरोपी है उनको उसको आज अरेस्ट किया है और रिमांड पे। तो मतलब आपको बात करने में भी हो रही है, जो आज चार दिन सेंसर में बैठा आप उनसे सीधे बात करने में भी सर दिक्कत महसूस कर रहे हो? आप उनको सूचना दे रहे हो, राजेंद्र जी ने आपको एक आगे, आप विपिन जी से कह दो आप कह रहे हो मेरे को बाहर जाना, आप कम से कम सीधे जो आज भी पीड़ित है चार दिन है उनको तो कह लो आप। अरेस्ट हो गया ना, अरेस्ट हो गया एक दिन के रिमांड पे, रिमांड पे एक बार मेरे को कहीं लेके जाना है। जितनी जल्दी थी फिर क्या जरूरत पड़ रही थी आने की? फोटो ले लेते सर। जो चार गवाह जिन्होंने सारा गुड़गो वो भी इसमें रहेंगे। देखो हर चीज टाइम लगती है, एक घंटे दो घंटे। मैं ये कब कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता, इन्वेस्टिगेशन है अभी चलेगी, जो आप जो आपने एलिगेशन लगाया वो सारे क्लियर होंगे। ठीक है, चाहता हूँ चारों गवाहों को, दूसरा आरोपी जी जो दूसरा आरोपी है करेंगे अरेस्ट, उसके खिलाफ सारा कुछ हो। ठीक।